नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला पर। तो आज हम अपनी इस वैदिक मैथ की सीरीज में सीखेंगे किसी भी दो रैंडम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। मैंने अपने पिछले वीडियोस में एडिशन और स्क्वायर्स कवर कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए उस लाल बटन को दबाइए और साथ में दिख रही घंटी को भी जरूर बजाइए। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने हेडिंग देखा, जनरल मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ था पहले, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम ये समझ लेते हैं जनरल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जनरल मल्टीप्लिकेशन होता है हम किन्हीं भी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किन्हीं भी दो डिजिट नंबर्स का, या एक थ्री डिजिट नंबर, एक टू डिजिट नंबर, कोई भी, या कोई थ्री डिजिट नंबर को थ्री डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रैंडमली हम कोई भी नंबर लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होती है जनरल मल्टीप्लिकेशन। स्पेसिफिक मल्टीप्लीकेशन होती है जब हम किसी स्पेसिफिक नंबर से अपनी मल्टीप्लीकेशन कर रहे होते हैं। जैसे मान लो हम किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, ठीक है, या का हम जो हमारे बेसिस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट वीडियोज़ में कि हमारे बेसिस होते हैं 10, 100, 1000। तो अगर हम अपने बेसिस के नियर की जो नियर नंबर जो है उनकी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन में। तो स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखो, स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन भी एक तरीके से जनरल मल्टीप्लिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। हम चाहे तो जो हमारे 11 और 9 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको हम जनरल मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। पर हमने इसके कुछ अलग रूल्स बना लिए हैं, 11, 9, 5 या और भी होते हैं, मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे हमारा थोड़ा सा और टाइम बच जाता है। जितनी देर हमको जनरल मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम लगेगा, उस मल्टीप्लिकेशन को करने में उससे थोड़ा सा कम टाइम लग जाएगा अगर हम स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन के जो रूल है 11 से करने का, 9 से करने का, इनको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर ये रूल नहीं भी याद रहते हैं तो जनरल मल्टीप्लिकेशन से भी आप उन दो नंबर्स को जो 11 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं या 9 से ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो जनरल मल्टीप्लिकेशन में हम अलग अलग केस लेंगे कि अगर हम दो डिजिट के नंबर को दो डिजिट के नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट केस लेंगे कि अगर हम थ्री डिजिट के नंबर को टू डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उससे नेक्स्ट केस लेंगे कि अगर हम फोर डिजिट के नंबर को टू डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वो फिर एक और केस लेंगे हम थ्री डिजिट के नंबर को थ्री डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसमें आपकी जो कैलकुलेशन इस इतने में इतने तो जनरल मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे अपना पहला केस 2x2 मल्टीप्लिकेशन। मीन्स अगर हम टू डिजिट के नंबर को टू डिजिट के नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 3x2 मल्टीप्लिकेशन, फिर 4x2 मल्टीप्लिकेशन कि फोर डिजिट के नंबर को टू डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर देखेंगे हम 3x3 कि थ्री डिजिट के नंबर को थ्री डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कैलकुलेशन होती है मोस्टली इतने पार्ट में कवर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं 2x2 मल्टीप्लीकेशन को। टू बाय टू मल्टीप्लीकेशन में मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने दो डिजिट का दो नंबर लिए, एक लिया 42 और सेकंड नंबर मैंने लिया यहां पे 23। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चार नंबर, मतलब मीन्स दो डिजिट के दो नंबर है, तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको डिनोट कर दीजिए, चारों नंबर्स को इस तरह से डिनोट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद पहले पहले तीन स्टेप में ये आंसर आएगा हमारा। स्टेप वन में क्या करना है आपको, स्टेप वन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को, इन दो नंबर्स को, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्टेप वन, ठीक है। उसके बाद स्टेप टू में क्या करना है आपको, चार डॉट लगाया मैंने चार डिजिट्स के लिए। स्टेप टू में आपको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मीन इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो ये हुआ हमारा स्टेप टू, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको दोबारा से वर्टिकल
मल्टीप्लिकेशन करनी है, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन इस बार इन यहाँ पे इन दोनों की करनी है, ठीक है। और ये हो गया आपका स्टेप 3। अब हम देखेंगे कि कैसे इसका आंसर आएगा। मैंने पहले स्टेप में बताया कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे ये वाले नंबर से वर्टिकल वे में, ठीक है। तो 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया हमारा 6। सेकेंड स्टेप में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चारों को, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उन दोनों को ऐड करके लिख देना है। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 या 12 प्लस 2 2 या 4 16। तो 16 एक 2 डिजिट नंबर है, लेकिन हमें यहाँ पर सिंगल डिजिट लिखनी है। जो हमारा ये 1 बचा वो हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें थर्ड स्टेप में इन दोनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। तो हम 4 और 2 को वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 या 8 8, और ये हमारा जो 1 कैरी है यहाँ पर इसको मिला के ये हो गया 9। तो ये हमारा आंसर हो गया 966, ठीक है। तो ये अभी आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, ये मैंने आपको स्टेप्स बताए। तो जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ी सी, उसके बाद आप इसको माइंड में ही बड़ी इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं स्टेप्स। देखो, पहले स्टेप में आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड में दोबारा से वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, आप इसको याद रखिए इस तरह से ट्रिक में, IXI। क्योंकि अगर आप वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल याद रखोगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, और IXI याद रखोगे तो ये थोड़ा इजीली याद रहेगा आपको। IXI, आई मीन्स वर्टिकल मल्टीप्लाई, एक्स मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई, देन अगेन वर्टिकल मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको 3/2, 4/2 और 3/3 भी इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके एक या दो और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 63 * 42, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी IXI, उसको रिमाइंड कीजिए। तो हमको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है। वर्टिकल हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से, तो 3 2 जा 6। उसके बाद हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 6 2 जा 12 प्लस 4 3 जा 12, 12 प्लस 12 24। लेकिन हमें यहाँ पे सिंगल डिजिट ही पुट करनी है, यहाँ पर भी सिंगल डिजिट आती है और यहाँ पर भी सिंगल डिजिट, और यहाँ पे 24 की हमने सिंगल डिजिट 4 पुट की, जो आगे 2 बचा उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद हमें दोबारा से यहाँ पे वर्टिकल मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने वर्टिकल मल्टीप्लाई किया, 6 * 4 = 24, 2 कैरी था, तो ये हो गया हमारा 2646, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, 54 * 32। दोबारा से इस ट्रिक को यूज़ कीजिए। पहले हमें क्या करना है, वर्टिकल मल्टीप्लाई करनी है आई, तो 4 2 जा 8, ठीक है। उसके बाद हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस 4 3 जा 12, 22। 22 का हमें यहाँ पे 2 पुट करना है, 2 आगे कैरी कर देना है। उसके बाद हमें दोबारा से वर्टिकली मल्टीप्लाई करनी है, ये वाला आई रिमाइंड कीजिए, ठीक है, ये वाला आई। तो 5 3 जा 15 प्लस 2 17, ये आंसर हो गया हमारा 1728, ठीक है। इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको बहुत तेज़ी से कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करते तो पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर एक आगे बढ़ा के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर उनको ऐड करना पड़ता, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं इस टाइप का, 55 * 25, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से करता हूँ मैं, पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, तो 25। लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें सिंगल डिजिट पुट करनी है, जो बाकी 2 बचा उसको आगे कैरी करेंगे। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 प्लस 5 2 जा 10, तो 25 प्लस 10 35, और 2 कैरी था हमारा 37, तो 7 पुट करेंगे सिंगल डिजिट, 3 कैरी, फिर 5 2 जा 10 प्लस 3 13, तो ये हो गया हमारा 1375। तो हम इसका सेकेंड टाइप देखते हैं, 3/2 मल्टीप्लीकेशन, कि जब हम 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको पिछला मेथड समझ आ गया है तो ये भी इजीली समझ आ जाएगा, बस इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3 3 2 2, इसको मल्टीप्लाई करा हमने 2 3 से, तो यहाँ पे हम 3 डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 डिजिट से। अब यहाँ पर भी सारे वही स्टेप्स हैं, ठीक है, बस यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ बना ली है स्टेप समझाने के लिए, ताकि हम थोड़ा अपना टाइम बचा सकें, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप वही होगा पहले की तरह, कि हम पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप 1 में। उसके बाद यहाँ पर मैंने 5 डॉट से इन 5 डिजिट्स को दिखाया है, ठीक है।
उसके नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम इनको करेंगे, टू को इस टू को इस थ्री से और इस टू को इस टू से, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें एक और क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन इस बार हमें जो हमारी ये वाली डिजिट जो है टू, इसको यहाँ पे स्किप करके बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे थ्री को थ्री से और टू को टू से, यहाँ पे ज़्यादा बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा आराम से करना होगा, फोकस बना के करना होगा, ठीक है, ताकि गलती ना हो कि किस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमें ये ध्यान रखना होगा आपको। और उसके बाद लास्ट स्टेप वही है, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे हम थ्री और टू को, ठीक है। थ्री और टू को यहाँ पे हम वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, पहले स्टेप में हमें वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम टू और थ्री को, तो हमारे पास आ गया सिक्स। इसको सिंगल डिजिट में लिखना है, याद रखना ऑलरेडी यहाँ पे सिंगल है, जब टू में आएगा तो हमें आगे कैरी देना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करेंगे, टू को थ्री से और टू को टू से, ठीक है। थ्री टू जै सिक्स प्लस टू टू जै फोर, सिक्स प्लस फोर टेन, ये टू डिजिट में आया है, लेकिन हमें यहाँ पे सिंगल डिजिट पुट करनी है, तो हम जीरो पुट करेंगे, वन आगे कैरी कर देंगे। उसके बाद हमें दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमें किसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे गलती होने के बहुत चांस होते हैं। हमें इस थ्री को इससे और इस टू को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो थ्री को थ्री से करेंगे नाइन, और टू टू जब फोर, नाइन प्लस फोर थर्टीन, थर्टीन और एक हमारा यहाँ पे कैरी था, तो फोर्टीन, फोर्टीन का यहाँ पे आएगा फोर और हमारे पास कैरी जाएगा वन। अब लास्ट में हमें दोबारा से वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, तो थ्री और टू को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टू जब सिक्स प्लस वन सेवन, तो ये हमारा आंसर हो गया 7406, ठीक है। तो अगर आपने पहले वाले मेथड को अच्छे से समझा है तो ये मेथड भी आपको ईजिली समझ आ गया होगा। यहाँ वहाँ पे ट्रिक थी हमारी क्या, आई एक्स आई, यहाँ पर एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, आई डबल एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ की ट्रिक है आई डबल एक्स आई, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बस एक क्रॉस मल्टीप्लाई जो है हमारा वो बढ़ गया है, और वो आपको ध्यान रखना है किसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक, सिक्स ट्वेंटी टू इंटू फिफ्टी फोर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ट्रिक को याद कीजिए, ट्रिक क्या थी हमारी, आई डबल एक्स आई। तो पहले हमें वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, तो हम फोर और टू को मल्टीप्लाई करेंगे, एट तो ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है, तो हम इसको सिंगल डिजिट यहाँ पे पुट कर देंगे, कोई आगे कैरी नहीं जाएगा। उसके बाद हमें ये करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, फोर को टू से और फाइव को टू से, मीन्स इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फोर टू जै एट प्लस फाइव टू जै टेन, एटीन, एटीन टू डिजिट नंबर है, तो एट हम यहाँ पे छोड़ेंगे, लिखेंगे और वन आगे कैरी दे देंगे। उसके बाद दोबारा से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और इस बार किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिक्स को फोर से, टू को फाइव से, इस वाले को स्किप कर देना है, ठीक है। ऐसे ही जब हम फोर डिजिट में जाएंगे, फोर बाय टू में, तो हमें दो डिजिट भी स्किप करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, पहले में इनको क्रॉस करने के बाद इस डिजिट को स्किप करके बाकी क्रॉस बनाना है। तो यहाँ पे क्रॉस क्या बन गया, सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करना है और टू को फाइव से, ठीक है। तो ये बन जाएगा सिक्स फोर जै ट्वेंटी फोर प्लस फाइव टू जै टेन थर्टी फोर, और एक हमारे पास कैरी था वन, तो ये हो गया थर्टी फाइव, थर्टी फाइव, थर्टी फाइव का हम यहाँ पे लिखेंगे फाइव, कैरी गया हमारा थ्री। अब हमें लास्ट में मल्टीप्लाई करना है क्या, दोबारा से वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, जिसको मैंने आई से यहाँ पे डिनोट किया है ताकि आपको ट्रिक याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकली अब क्या हुआ, सिक्स इंटू फाइव, ठीक है। ये मैं सोचना कि बिल्कुल वर्टिकल नहीं है, ये बस थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि वर्टिकल मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के दोनों डिजिट्स हैं, ठीक है। 54 में लेफ्ट हैंड साइड डिजिट और 622 में लेफ्ट हैंड साइड डिजिट, तो इसको मैंने इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को वर्टिकल ही बोल दिया है। और 65 जै 30 प्लस 3 33, तो ये हो गया 33, तो इसका आंसर हो गया हमारा 33588, ठीक है। तो ये मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। अपनी प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 523, इसको मल्टीप्लाई किया 42 से, थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो थ्री टू जै सिक्स, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू को टू से, फोर को थ्री से, टू टू जै फोर प्लस फोर थ्री जै ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन का सिक्स, टू डिजिट नंबर है, तो सिक्स लिखेंगे, कैरी वन जाएगा। उसके बाद अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार इन दोनों को, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यहाँ बहुत गलती होती है, ठीक है। तो ये हो गया फाइव टू जै टेन प्लस फोर टू जै एटीन, ठीक है, एटीन, और हमारा वन कैरी था नाइनटीन, नाइनटीन का हम नाइन यहाँ पे पुट करेंगे और वन कैरी। अब हम दोबारा से अपनी वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली, ठीक है। वर्टिकल हो गया फाइव इंटू फोर, फाइव इंटू फोर ट्वेंटी, प्लस वन हमारा कैरी था, ये हो गया हमारा ट्वेंटी वन,
ठीक है 21, तो ये हमारा आंसर होगा 21966। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेथड भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसकी और प्रैक्टिस करिएगा थोड़ी, तो आप इसको बहुत तेज़ी से सॉल्व कर पाएंगे और ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए इसका अगला मेथड, अगला जो टाइप है वो देखते हैं। हम देखेंगे इसका थर्ड टाइप में हम देखेंगे कि 4/2 मल्टीप्लीकेशन, कि एक नंबर हमारा 4 डिजिट का है और सेकेंड नंबर हमारा 2 डिजिट का है, तो उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 3, 2, 4, 2, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 डिजिट नंबर 52 से। ठीक है, तो इसके जो स्टेप्स हैं वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ ताकि हम थोड़ा अपना टाइम बचा सकें। तो सब कुछ पहले की तरह है। अब यहाँ पे पहले 3 डिजिट्स थी, पहले 2 डिजिट्स थी, तब 3 में आए तो एक स्टेप बढ़ गया, ऐसे ही अब 4 डिजिट में आए तो एक और स्टेप बढ़ गया। करना कुछ नहीं है, हमारा एक क्रॉस बढ़ जाएगा बस। ठीक है, 3 डिजिट में हमने एक जब दूसरा क्रॉस बनाया था तो हमने इस वाले नंबर को यहाँ से रिमूव किया था, मतलब इसको भूल कर तब हमने क्रॉस बनाया था। अब अपने जब उससे एक स्टेप जो बढ़ा है उसके अंदर हम इस वाले नंबर को भूल के तब आगे करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे 5 स्टेप्स हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें भी हम अपने स्टेप्स फॉलो करेंगे। हमारा पहला स्टेप वही होगा, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन इन दो नंबर्स की। तो यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हमारे पास 2 से 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 4। ये ऑलरेडी सिंगल डिजिट आया, तो हमें कैरी देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सिंगल डिजिट में लिखना होता है, और जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट होती है उसको आगे कैरी कर देना होता है। उसके बाद हम अपना सेकेंड स्टेप देखेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू में ही हम इन चार नंबर्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 से, 5 को भी 2 से, तो 5 टू 10 प्लस 4 टू 18, 18 का हम यहाँ पे लिखेंगे 8, कैरी दे देंगे आगे 1। ठीक है, उसके बाद हमें दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें ये वाला नंबर जो है इसको भूलना है, तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको स्किप करना है 2 को यहाँ पे, और फिर 2 को 2 से और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 को 5 से, तो ये हो गया 5 20 प्लस 2 2 4, ये हो गया 24। ठीक है, तो 24 और +1 यहाँ पे जो कैरी था 25, तो इसका आया यहाँ पे 5, कैरी हो गया 2। उसके बाद हमें 2 डिजिट को स्किप करना है, 2 को भी 4 को भी, उसके बाद जो बना उसमें क्रॉस बनाना है। तो उसमें क्रॉस कैसे बनेगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप फोकस रखेंगे तो ये गलत नहीं होगा, और थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो। ज़्यादातर बच्चे क्रॉस बनाने में ही गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा 5 3 टू 6 प्लस 5 टू 10, तो 16, और 2 हमारा कैरी था यहाँ पर, तो 16 और 2 18, 18 का 8 कैरी 1। और लास्ट में हमें दोबारा से 5th स्टेप में क्या करना है, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। तो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होगी 5 और 3 की। ठीक है, तो 5 3 15 प्लस 1 16, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 168584। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं वही सेम स्टेप्स फॉलो कर लें। वहाँ पे हमें एक एक्स था हमारा यहाँ पे, फिर 3/2 में एक और एक्स बढ़ गया, एक्स मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4/2 में एक और एक्स बढ़ गया। इससे आगे तुम्हें जरूरत नहीं है, बाकी अगर जरूरत पड़ेगी भी 5 × 2 की तो आप इजिली कर सकते हैं, एक क्रॉस बढ़ जाएगा। और यहाँ पर हमें 3 डिजिट, अभी यहाँ पे हमने 2 डिजिट तक इसको स्किप किया, हम आगे 3 डिजिट तक स्किप करेंगे और फिर क्रॉस करेंगे। पहले जी एक भी डिजिट स्किप नहीं करेंगे, क्रॉस करेंगे, फिर 1 डिजिट स्किप करके क्रॉस करेंगे, फिर 2 डिजिट स्किप करके क्रॉस करेंगे, फिर 3 डिजिट स्किप करके क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ट्रिक देखें पहले की तरह, तो यहाँ पर ट्रिक क्या बनती है, आई एक्स 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 आई। ठीक है, आई मीन्स वर्टिकल, एक्स मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसकी ट्रिक हो गई आई एक्स 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 आई। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगी, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से आप इस पर पकड़ बना लेंगे। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया 3 3 5 2, इसको 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया मैंने, 23। ठीक है, तो इसको करते हैं और थोड़ा जल्दी करेंगे। यहाँ पे हमारी ट्रिक क्या थी, आई एक्स 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 आई। ठीक है, तो इस हम राइट हैंड साइड से अपने स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप है हमारा आई का वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, तो 3 2 6, 3 2 6 जो है 6 हमारा सिंगल डिजिट है, तो हम सिंगल डिजिट यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को 3 से, 2 को 2 से। ठीक है,
जो हमारा सेकंड स्टेप है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 प्लस 2 2 4 19, 19 टू डिजिट नंबर है तो हम यहाँ लिखेंगे 9 और 1 हम आगे कैरी दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या है, हम फर्स्ट वाला जो ये 2 जो है इसको स्किप करेंगे और बाकी का हम क्रॉस बनाएंगे 3 को 3 से 5 को 2 से। ये ध्यान रखना, बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं क्रॉस बनाने में, तो आप इसका अच्छे से ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से 5 को 2 से, तो 3 3 जाए 9 और प्लस 5 जाए 10 19 प्लस 1 कैरी 20 0 कैरी 2। ठीक है, अब हम 5 और 2 दोनों को यहाँ पे स्किप कर देंगे इन दोनों को। ठीक है, तो अब हमारा जो क्रॉस बनेगा वो बनेगा थर्ड क्रॉस, जो थर्ड फोर्थ स्टेप और थर्ड क्रॉस जो है 3 को 3 से और इस 3 को 2 से। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 9 6 15। ठीक है, 15 और हमारा जो 2 कैरी था तो क्या हो गया, 2 कैरी और 15 17, 17 का 7 कैरी 1। ठीक है, अभी हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ है। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन दोबारा से। तो हम वर्टिकल के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 1 हमारा कैरी था तो 7, तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 77096। ठीक है, तो चलिए इसका मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, थोड़ा जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो एग्जांपल लेता हूँ 5242 और 52, मैं इसको जल्दी से करूँगा, आप देखते रहिए कुछ गलती ना हो। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप है वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, तो 2 2 जा 4, फिर करेंगे हम 4 2 जा 8 प्लस 5 2 जा 10 18 का 8 कैरी 1, फिर इन दोनों इसको स्किप करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और 5 4 20 24 और 125 का 5 कैरी 2। ठीक है, अब दो को स्किप करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू जा 10 प्लस 5 टू जा 20 प्लस 2 22 का 2 कैरी 2। अब वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दोनों की, 5 5 जा 25 और 2 27। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से हो गया, आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे भी काफ़ी तेज़ी से होगा ये। और अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं तो हमें थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, हम पहले 2 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं फिर 5 को फिर ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका एक लास्ट जो टाइप है वो और देखते हैं, 3/3। तो चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं इसका अगला टाइप जो है 3/3 मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 3/3 मल्टीप्लीकेशन में एग्जांपल लेता हूँ 3 2 3, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने दूसरे 3 डिजिट नंबर से 2 4 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेप होंगे यहाँ पे भी हमारे 5 स्टेप होंगे और थोड़े उसी की तरह होंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है वो आपको देखना होगा। ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अभी तक जो था वो इजी था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा यहाँ पे 3/3, क्योंकि अभी तक हम 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 3 डिजिट से करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप सेम है, पहले स्टेप में आपको वही करना है वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, तो 3 2 जा 6। सेकेंड स्टेप भी सेम है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 को 2 से 4 को 3 से, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16 का 6 कैरी 1, यहाँ पर भी सिंगल डिजिट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पर आई और एक्स कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि ऊपर भी 3 डिजिट कवर करने हैं और नीचे भी हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आई और एक्स कंबाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को 2 से करेंगे और 2 को 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, और वर्टिकल भी करेंगे, इसके अंदर दोनों स्टेप करने होंगे वर्टिकल के लिए 2 और 4, इस तरह से करेंगे कि हमारे सारे जो डिजिट्स हैं वो कवर हो जाएं इसमें। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, बाकी इजी है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 को 2 से, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 12 प्लस 4 2 जा 8 20। ठीक है, तो 20 और यहाँ पे हमारा कैरी था 1, तो 21, तो 21 का 1 कैरी 2। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप में देखो, फोर्थ स्टेप में दोबारा से क्या है, क्रॉस है, लेकिन हमें अब शुरू के जो 2 नंबर है वो इग्नोर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर इग्नोर करेंगे और बाकी का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे किसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 का 4 से का 4 से और 2 का 2 से, तो 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4 6 2 2 4 2 2 जा 4। ठीक है, तो 12 प्लस 4 16 और 2 कैरी था 18, 18 का 8 कैरी 1। ठीक है, अब हमारा लास्ट स्टेप वही है, हमें दोबारा से वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन करनी, तो वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन होगी 3 और 2 की। ठीक है, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो ये हमारा आंसर आ गया 78166। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। ठीक है, और अगर मैं इसकी ट्रिक बताऊँ तो इसकी ट्रिक हो जाएगी हमारी क्या, आई एक्स, फिर आएगा आई विद एक्स, ठीक है, फिर एक्स आई, ये हमारी ट्रिक होगी।
हम राइट राइट हैंड साइड से चलेंगे तो पहले हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले हमें आई, फिर हमें एक्स, मतलब पहले वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर क्रॉस, फिर थर्ड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके अंदर हमें वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन भी करनी है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आई विद एक्स, फिर नेक्स्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि इसके पर भी आपके अच्छे से ग्रिप बन जाए, ठीक है। चलिए मैं एक और या एक और दो एग्जांपल इसके और लेता हूँ ताकि थोड़ी सी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 5 2 3 3 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक याद कीजिए, ट्रिक क्या थी हमारी, आई एक्स, आई विद एक्स, फिर एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ से हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। मैं एक दूसरा करा ले लेता हूँ यहाँ पे, ये मैंने लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे हम, तो फर्स्ट स्टेप है हमारी वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। तो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी, 3 के 4 के साथ, ठीक है। तो 4 3 12, 2 डिजिट नंबर है, लेकिन हमें यहाँ पे 2 डिजिट नहीं पुट करने हैं, सिंगल डिजिट पुट करना है, बाकी 1 हम आगे कैरी दे देंगे, ठीक है। 1 कैरी दे दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है 2 की 4 से 2 की 3 से, ठीक है। तो ये हो गया 4 2 8 प्लस 3 2 6 14, ठीक है। 14 और 1 हमारा कैरी था, तो 15 का 5 कैरी 1। उसके बाद थर्ड स्टेप जो बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है, हमें आई भी बनाना है और एक्स भी। एक्स हम किसका बनाएंगे, इन दो इनका, और आई बनाएंगे हम 2 और 2 का, ठीक है। तो 5 4 20 प्लस 3 3 9 29, 29, और ये वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 2 4 29 और 4 33, ठीक है। और 33 का यहाँ लिखेंगे 3, कैरी देंगे 3। उसके बाद दोबारा से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब की बार क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों को हमें इग्नोर करना है, बाकी जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 2 का और 3 का 2 से इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 2 10 प्लस 3 2 6, 10 और 6 16, कैरी था 3, 19 का 9 कैरी 1। अब हमारा लास्ट स्टेप है दोबारा से वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, तो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होगी 5 3 15 प्लस 1 16, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 1 6 9 3 5 4, ठीक है। यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पर जो आएगा यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 4, ये हमारा आंसर हो गया 1 6 9 4 5 2। चलिए इसका एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट, और फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 6 2 4 2 2 3। तो यहाँ पर हम जल्दी से करता हूँ इसको, ट्रिक क्या थी, आई एक्स, आई विद एक्स, एक्स आई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉलो करेंगे हम, एक मिनट, फर्स्ट स्टेप आई, तो आई हो गया 4 3 12 का 2 कैरी 1, ठीक है। उसके बाद एक्स, तो हम करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 को 2 से, 3 2 6 प्लस 4 2 8, 14 प्लस 1 15 का 5 कैरी 1। उसके बाद थर्ड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विद एक्स, तो आई बनेगा, एक्स हमारा बनेगा 6 3 और 2 4 का, और आई बनेगा हमारा 2 2 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 3 18 प्लस 4 2 8, 18 प्लस 8 26 प्लस 2 2 4 30, 30 प्लस 1 31 का 1 कैरी 3, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ये वाला स्टेप, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, पर उसके लिए हमें इन दोनों को इग्नोर करना होगा। उसके बाद हम क्रॉस बनाएंगे, क्रॉस बनेगा हमारा 6 2 और 2 2 का, ठीक है। तो 6 2 12 प्लस 2 4 16 प्लस 3 19 का 9 कैरी 1, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारा बचा है वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, तो 6 और 2 की वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 6 2 12 प्लस 1 13, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वैदिक मैथ से रिलेटेड और वीडियोस देखने और अपनी कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से फास्ट बनाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।